फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की मेरी वीडियो थोड़ी अलग है और अलग डिश बनाने वाली हूँ मैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। तो मैंने ब्रोस्ट मंगवा लिए थे, सिर्फ इसमें हमें लेग पीस चाहिए। तो मैंने इसमें लेग पीस मंगवाए हैं और मैंने उसको बॉयल करने के लिए रखा हुआ है और आलू भी मैंने इसी के अंदर डाल देंगे। फिर जैसे ये बॉयल होता है फिर दिखाते हैं आगे का प्रोसेस हम क्या करते हैं। ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? तो हमें लेग पीस चाहिए, ठीक है। और आलू हमने बॉयल कर लिए हैं, चिकन भी हमने बॉयल करके जो है ना लेग से अलग कर लिए। जो लेग की स्टिक्स होंगी उनको भी हमने अलग निकाल लेना है। और इसके अलावा हमें चाहिए वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और कुटी हुई मिर्ची और नमक, ठीक है। तो अब मैं इनको सबको मैश कर लेती हूँ और जो है मैं इसमें थोड़ा सा आधा टीस्पून में वाइट पेपर डालूंगी, आधा ब्लैक और आधी कुटी मिर्च, थोड़ा सा नमक डालूंगी, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और कुटी हुई मिर्च। और नमक डालूंगी, ठीक है। तो मैं धोरी ले रही हूँ मिर्चे कूटने वाली, उससे सही से हो जाएगा। वैसे वो मिलता भी है जिससे ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं आता वो, तो उससे भी हो जाता है। पर मेरी मम्मी ऐसी करती होती थी जब कीमा वगैरह कुछ भी बनाती थी, क्योंकि हमने बिल्कुल हमें इसको अच्छे से जो है ना मैश करना है आलुओं के साथ। देख ले किस तरह से इसकी चिकन की एक एक लेस बन चुकी है अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे आलू और चिकन को अच्छे से हमने इस तरह से मैश कर लिया। ठीक है, तो अब मैं इसमें चीज़ क्रश करके डाल रही हूँ जो मैंने मैश किया था आलू और चिकन को। तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है चीज़। तो मैं करा तो ये चीज भी क्रश कर रहे हैं इसमें हम। तेरी ठंडी लग रही सर, थोड़ी मैंने सुबह की हेल्प ली है, मैं कहा सर क्रश करते हैं, मेरे हाथ बर्फ हो रहे हैं इससे। तो आप अगर आप लोगों से भी ना हो तो आप हेल्प ले सकते हैं घर में किसी की पड़ेगी, जैसे मैं सुबह की ले लेती हूँ। तो गाइस आप सब ने भी इसको ट्राई करना है। बस कर ज्यादा ना कितनी होगी काम में, काम है बेटा। और आप सब कैसे हो, ठीक हो? तो यार मुझे बहुत अफसोस हुआ है, सोनिया भाभी लोग का अकाउंट भी जो है ना हैक हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करके इंसान यहाँ तक पहुँचता है, बहुत खर्चा भी होता है आपकी वीडियोस में, हर चीज में सब बहुत मेहनत करते हैं। एक्चुअली इनको नजर लग गई है। तो हाँ नज़र भी बहुत लगी है और काफ़ी लोग हम मेरे पे भी नज़र लगा के बैठे, मेरे अकाउंट को रिपोर्टें कर रहे होते हैं आए दिन जब देखो। लेकिन करते रहो, कोई मसला नहीं है, खुदा बहुत बड़ा है। तो मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं जानती हूँ। बस यूँ ही आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे। और बहुत जल्द आप लोग को कल एक गुड न्यूज़ भी दूँगी मैं। सर बस का तो पूरी चीज़ ही पा देनी है। हाँ रोटी में डालेंगे पराठा, अगर बच जाए तो पराठे में डाल सकते हैं, रेस नहीं होती।
और गाइस बस कुछ दिन की बात है तो मेरा फ़ोन आने वाला है रिसेंटली, तो मैं भी चैनल ओपन करने लगी हूँ, तो ये बाद में बातें कर लेंगे। चैनल वीडियो चल रही है, ठीक है, मैं बता रही हूँ ना उनको। ठीक है, तो यू ले लेंगे, बिल्कुल जैसे गोला सा बनाते हैं वैसे इसको हमने बनाना है। ऑयल भी गर्म होने रखा हुआ हमने, सर दिखाओ, टिम टिम पे रखा हुआ। तो गाइस मेरी नानी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज मैंने जाना भी है नानी का पता करने। नहीं आज नहीं जाना, सैटरडे को, सैटरडे को जाना, बट फोन आ रहा है मुझे, हो सकता है मैं चक्कर लगाऊं शाम में। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो हमने ये स्टिक से निकाली हुई थी लेग्स की, उसी के अंदर इसको हम गोला बना बना के ऐसे करते जाएंगे। तो कोई भी मिस्टेक हो बोलने में तो माजरत, आई एम नॉट अ शेफ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बस सीख रही हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह अगले साल शादी वादी का प्रोग्राम है, तो बस मैं चाहती हूँ कि इतना कुछ तो आए बनाने के लिए कि और कुछ नहीं, अपने हस्बैंड को तो बना के दे सकूँ। सर भी आए करेंगे, सर को बनाया, सर को बना के दिया करूँगी। तेल हमारा फ्राई हो चुका है, तो मैंने आलू भी काटने हैं, साथ में चिप्स भी इसके फ्राई करूंगी। देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट जब करोगे ना आप लोग ये डिश बना गए तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने बना ली है, अब आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ, ये मेरे साथ रहिएगा। तो गाइस मैंने फ्राइज जो है उसको काट, चिप्स जो है आलू के, मैंने उसको कटिंग कर ली है, और इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और थोड़ा सा मैंने रोज मसाला डाला है, ताकि थोड़े जब इसको फ्राई करें तो क्रिस्पी हो जाए, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। आप लोग भी जरूर इस तरह से जो है ना चिप्स को फ्राई करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अभी जो है सेकेंड पार्ट हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोगों ने ये ड्रमस्टिक्स तैयार की है इसको मैं मैरिनेट करूंगी। तो मैं ये मैंने पापे लिए, नॉर्मल जो पापे होते हैं उसी को मैंने क्रश कर लिया है, मैंने अलग से नहीं लिया कोई भी जो है ना बाहर से क्रम्स मिलते अलग से, मैंने वो नहीं लिए, इसको मैंने जो है ना खुद बनाया है, जो नॉर्मल पापे होते हैं उनको क्रश करके। तो अब हम इसकी टॉपिंग स्टार्ट करेंगे, टॉपिंग स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी ड्रम स्टिक को पकड़ेंगे जो हमने बनाई हुई थी, और इसको एग के अंदर मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। अब जो ये ब्रोस मसाला है, शान का मैंने ब्रोस मसाला लिया है, अब आप लोग जो भी मसाले यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा मैं इसको ऑमलेट के अंदर अच्छे से मैं इसके ऊपर ये क्रम्स लगा लूंगी। अगेन हम आप सबने लाजमी ट्राई करना है, लाजमी मुझे बताना है।
अब मैं इसको डाल रही हूँ कढ़ाई में। डीप फ्राई कर लेंगे हम। सर चूल्हा तेज करना ही हल्का रख रहा है। नहीं स्लो ही करो। और आप लोग ना हमारे किचन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा प्लीज, या छोड़ क्योंकि नेक्स्ट मंथ तक हम ना अपना किचन थोड़ा सही कर रहे हैं। ये ऑयल वगैरह गिरता है इससे दीवार गंदी हो जाती है और आप लोग इतनी ही बातें बना देते हो। और बहुत गलत बात है, आप लोग गालियां ऐसे निकाल रहे होते कमेंट्स पे कि आपको माँ बहन आपकी मदर सिस्टर को इस तरह से गाली निकाल कर आप लोगों को कैसा लगेगा। इससे से हर इंसान की रिस्पेक्ट है। आसान नहीं होता कैमरे के सामने आना और खुद को दिखाना लोगों के, मैं देख लो आकर कोई शौक से नहीं आता, हर इंसान की मजबूरी होती है। तो ऐसे ही मेरी कुछ मजबूरी है कि मैं कैमरे आगे आई और मैं तो इतना मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से आकर जो मैं इसे कुकिंग करूंगी। और सीरियसली मैं पूरी दुनिया की माँ को सलाम करना चाहती हूँ जो मुझे देख रही हैं, पूरा पर दिन जो किचन में रहती है अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती है, हमारे लिए कुकिंग करती हैं। और अपनी मम्मा को भी सलाम देना चाहूँगी। और 24 नवंबर को आप सबको जो है ना मैं मिलवाऊँगी अपनी मम्मा से और उनके बारे में बताऊँगी जो सब पूछना चाह रहे थे मेरी मम्मा के बारे में, मेरे डैड के बारे में। तो मैं 24 नवंबर को लाजमी उन सबके साथ शेयर करूँगी। तो उसी के साथ साथ जो है ना ये डीप फ्राई होते जा रहे हैं, मैं इसकी थोड़ी साइड चेंज कर दूँ। तो आप सबने ट्राई करना इसको लाजमी और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ये देखो कितने अच्छे से ये वाला गोल्डन गोल्डन ब्राउन तो स्लो में होता है ना, टेस्ट करोगे तो फिर जल जाएगा ना। टिमटिम पे हमेशा टिमटिम पे चीज बहुत अच्छी बनती है। तो बेशक मैं पूछती हूँ अपने घर वालों से, पूछ पूछ के बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत बताओ सर मेरी कुकिंग कैसी है। हाँ बहुत टेस्टी बनाती है खाना, कभी कभी बनाती है पर अच्छा बनाती है। बिस्मिल्लाह। अभी ये बिस्मिल्लाह बोलने में भी लोग इशू उठाते हैं, मैं कहाँ चली जाऊँ। तो बहुत यम्मी से हो गए हैं, क्रंची। हाँ शुक्र है अल्लाह का मैं कामयाब हो गई हूँ आप लोग के प्यार के साथ। इसी तरह से जो बाकी के हैं मैं उनको भी फ्राई करूँगी। दो दो करके इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से उनको जगह मिल जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। वीडियो मेरी यहीं तक थी। तो ये ड्रमस्टिक के साथ मैंने फ्राइज फ्राई किए हैं, इसके साथ आप चटनी या कैचअप भी ले सकते हैं। तो मुझे लाजमी बताएगा आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी।